आसिफ फिर फार्म में तीसरी बार आ चुका है। और इंडिया का नक्शा कितनी बार बनाया तूने? तीसरी बार हो गया है, तीसरी बार बनाया है। तो लगा लिया दोस्तों। आजा आजा गिनते शामियाने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। आजा आजा गिनते शामियाने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आज बहुत ही बेहतरीन परेड होने वाला है, तो मैं चल रहा हूं देखने और आप सभी लोग भी बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी लोगों को आज का परेड पूरा बेहतरीन तरीके से दिखाएँगे। और अभी हमें यहाँ देख सकते हैं बाघा अभी आफिया किड स्कूल के पास है, जो कि यहाँ भाई 6 से 7 दिन से रुके हुए हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं कि सियाब भाई यहीं पे रुके हुए हैं। तो सियाब भाई अभी यहाँ से निकलने का उनका कोई कन्फर्म नहीं है। और अभी अभी शाही इमाम जो पंजाब के हैं उनका भी वीडियो आया है कि पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है जो इंडिया का, वो उनको वीज़ा नहीं दे रहा है। तो उनका जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है ये सियाब भाई को। तो देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाघा बॉर्डर की तरफ। तो आप सभी लोग वीडियो को बने रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता कैसे करना सब्सक्राइब? ये देखिएगा लोगों वहाँ पे यूट्यूब पे बना रहे हो नहीं? अब बना रहा हूँ, अब बना रहे हो। और ये लोगों देखिएगा वहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करना, बेल आइकन होगी उसको ऐसे दबाना, ऑल पे करना। फिर जो हमारे टीम से अभी अभी नए नए जुड़े हैं तो इनको भी ले चलते हैं बाघा बॉर्डर घुमाने के लिए। और साथ में ये भी रहेंगे। कब तक रहेंगे साथ में हमारे? जब तक आप हो, जब तक हम हैं माशाल्लाह। चलिए तो लगे रहेंगे हम लोग, दोनों लोग यहीं पे। चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं यही रास्ता जाता है सीधे बाघा बॉर्डर की तरफ। तो चलिए आज सफ़र करते हैं, सैर करते हैं बाघा बॉर्डर के एक बार फिर से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों स्कूली बच्चे जो कि बाघा बॉर्डर देखने के लिए जा रहे हैं परेड। तो रश देखिए। और इस तरफ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगी है आज का परेड देखने के लिए। तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में, आज का पूरा वीडियो आप सभी लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों आ गए हैं बाघा बॉर्डर पर। और ये छोटू मिला है जो कि तिरंगा का कलर लगाता है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस, चलो टीवी पर तो आएगी, टीवी पर एक बार एक कर रोकना, अगर रोकना है आसिफ ना अकेला ब्लॉग है। तो गाइस आप देख सकते हो इस टाइम आसिफ फिर फार्म में तीसरी बार आ चुका है। और इंडिया का नक्शा कितनी बार बनाया तूने? तीसरी बार हो गया है, तीसरी बार बनाया है। तो लगा लिए दोस्तों। तो दोस्तों चल रहे हैं धीरे धीरे हम बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर को देखने के लिए। साथ में हमारे गुलाम खाजा जी भी हैं और इधर कवि निसार कोटिया जी। आज बहुत ही रस होने वाला है, तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होगा। देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा एक भी पॉइंट। आज का परेड देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का। और आगे तो अंदर उनको अंदर जाने का मौका भी ना मिले। और ये हमारे आबाद भाई और आसिफ इनको तो देखकर लगता है कि ये आज बैठने वाले नहीं। आजा आजा जिंदे शामियाने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामियाने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। फिरती सच्ची नैया गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की धुन मैंने तुमको से मुरादी गिर गिर गारे है उगली जलाई है। शांति शांति शांति। अभी दोस्तों मैं अटारी बॉर्डर पे पीछे परेड हो रहा है अंदर, तो आज बहुत ज़्यादा रश इसलिए मैं बाहर आ गया, जगह नहीं था बैठने के लिए। तो मैं कई बार देख चुका हूँ इसलिए बाहर का आपको आज बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं अमृतसर जो है यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर पर अटारी बॉर्डर है और इस तरफ देख सकते हैं आप यहाँ से 22 किलोमीटर इस तरफ लाहौर है, जो कि पाकिस्तान लाहौर होता है, वो 22 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ अंदर 5 से 6 बजे तक पर डे रोज़ाना 5 से 6 बजे शाम को परेड होता है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से भी सैनिक परेड करते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से भी परेड करते हैं। तो अंदर परेड हो रहा है, मैं इस टाइम बाहर हूँ। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा। अभी भी परेड स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी देख सकते हैं लोग अभी भी परेड देखने के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप अंदर परेड स्टार्ट है, तो यहाँ देख सकते हैं अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर परेड देखने के लिए। बाघा बॉर्डर पर मौजूद BSF का म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी परेड चालू है अंदर, तो आइए आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। म्यूज़ियम में BSF के जवानों को दिखाते हैं जो शहीद हो चुके हैं, अपने देश के वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। सर म्यूज़ियम चालू है? कितना टिकट है? कितना टिकट है? 10 रुपये। 10 रुपये एक लोगों का, तो एक टिकट दे दीजिए सर, एक पर्सन का टिकट। तो ये सर म्यूज़ियम जो है परेड के दौरान भी चालू रहता है? कितने बजे चालू होता है? 4 बजे से। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं म्यूज़ियम यहाँ पर। चलिए टिकट लेते हैं, 10 रुपये का एक टिकट है, लेने के बाद अंदर चलते हैं। तो दोस्तों पास मिल चुका है म्यूज़ियम में जाने का, तो ये देख सकते हैं म्यूज़ियम का गेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जय हिंद सर। दोस्तों म्यूज़ियम में आ चुके हैं हम लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है, ये BSF का लोगो लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप सभी लोग। तो परेड चालू है, आज परेड मैंने नहीं देखा, आज आप सभी लोगों को म्यूज़ियम दिखाते हैं यहाँ का। ये देख सकते हैं बीएसएफ के जवान, ये हैं रुपेंद्र सिंह जी। और इधर देख सकते हैं ये है बीएसएफ के जवान, इनका क्या नाम है, कलेंद्र सिंह जी। और इधर ये देख सकते हैं आप, इस टाइम खाली है क्योंकि इस टाइम म्यूज़ियम खाली है क्योंकि इस टाइम परेड चल रहा है, तो सभी लोग जो हैं सभी बिजी हैं परेड के दौरान, तो हम अकेले इस टाइम इसमें हैं। गौरी किला, तो इधर दोस्तों ये एग्ज़िट पॉइंट है, वो उधर से स्टार्टिंग है, यहाँ से आने के बाद इधर एग्ज़िट पॉइंट है। ये आ गए हम बाहर। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आइए, दो चीज़ ज़रूर घूमिएगा यहाँ पर, एक यहाँ का म्यूज़ियम है बीएसएफ का म्यूज़ियम, और हमारा बॉर्डर जो कि परेड होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सैनिक दोनों ही साथ में परेड करते हैं 5 से 6 बजे, टाइमिंग है इवनिंग में 5 से 6 बजे। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, एंजॉय ले सकते हैं। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मौका था, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था, मैं नहीं देख पाया अंदर क्योंकि देखने लायक था नहीं, भीड़ इतना था कि जगह नहीं मिला। और मैं जो सोच रहा था वो जगह मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पास बैठा जाए कि जहाँ से दोनों सैनिकों को, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों सैनिकों का जो कंपटीशन होता है वो दोनों देखा जाए, लेकिन नहीं देख पाए। लेकिन मैं पुराना वीडियो शूट किया हूँ, वो आप सभी लोगों को दिखा दूँगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन परेड था यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आइए, आप यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कैसा बॉर्डर होता है यहाँ का। तो ये मैं आप सभी लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ आने के लिए आपको फर्स्ट टाइम अगर वीआईपी टिकट आप लेना चाहते हैं तो अमृतसर में वीआईपी टिकट बुकिंग होता है, जो कि 1 रुपये नहीं लगता है, फ्री में बुकिंग होता है, तो आपको वीआईपी मिलेगा पास, वरना सीट नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, पर डे परेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो आप आइए, तो वीआईपी टिकट बुक करके आइए। और यहाँ आइए तो आप जैसे कि बैग, चार्जर, हेडफोन ऐसा चीज़ ना लाएं जिसे आपको वापस जाना पड़े। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक मोबाइल और पर्स, कैमरा लिए हैं तो कैमरा अलाउ है, मोबाइल अलाउ है, पर्स अलाउ है, और इसके अलावा और कोई भी सामान अलाउ नहीं है अंदर जाने का। तो ये सब आप सभी लोग नहीं लेकर आए। और यहाँ का टाइमिंग है, परेड जो स्टार्ट होता है पर डे 5 से 6 बजे शाम को, आप उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन एंट्री आपको मिलेगा 4 से 5 से 6 बजे करीब आपको एंट्री मिल जाएगा। 5 बजे परेड स्टार्ट होगा, 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइम देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग अभी घूम रहे हैं बाहर, क्योंकि जो जो परेड लोग देख कर आ गए हैं वो बाहर हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं इधर। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और एक लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में।